हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीखने का पठार, यानी कर्व ऑफ लर्निंग, जिसे हम प्लेटो इन लर्निंग भी बोलते हैं, सीखने का पठार। ठीक है, तो सीखने का वक्र, ये भी इसका दूसरा नाम है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है। सीखने के क्षेत्र की प्रगति को जब रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वह सीखने का वक्र होता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, हमारी लर्निंग हो रही होती है, तो लर्निंग का मतलब होता है कि उस काम को हम बार बार करके सीखते हैं। ठीक है, तो उस काम को सीखने के लिए हमने कितनी बार उसको ट्राई किया, वही हमारा सीखने का क्षेत्र की प्रगति होती है। ठीक है, और रेखा चित्र होते हैं किस चीज़ को पिक्चर में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी लर्निंग कर्व की, सॉरी लर्निंग की, उसकी प्रोग्रेस की, वो लर्निंग कर्व कहलाता है। ठीक है, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन आप समझ सकते हो, सीखने की गति भूलने की गति और याद करने की गति ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना भी सीखने का वक्र कहलाता है। ठीक है, जो सीखने की गति होती है कि आप किस स्पीड से सीख रहे हो, आपकी लर्निंग कितनी स्पीड से हो रही है, आप उस चीज़ को भूल कितनी स्पीड से रहे हो और आप उसको याद कितनी स्पीड से रख रहे हो, उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड सीखने का वक्र। इंग्लिश में हम सिंपल सा करेंगे इसको, अ लर्निंग कर्व इज अ कोरिलेशन बिटवीन लर्नर्स परफॉर्मेंस ऑन अ टास्क। जो लर्नर्स होते हैं, जो हम लोग सीखने वाले होते हैं, ठीक है, अधिगम करता होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस उस कार्य को लेकर, एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द टास्क। ठीक है, दो चीज़ों के बीच ये रिलेशन होता है, एक जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उस काम को करने के लिए और दूसरा होता है अटेम्प्ट्स। ठीक है, आगे आता है, लर्नर्स एफिशिएंसी इन अ टास्क इम्प्रूव्स ओवर टाइम द मोर द लर्नर परफॉर्मेंस द टास्क। इसका मतलब हुआ कि एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी, कि जितनी ज़्यादा लर्निंग उसकी होगी, मतलब सीखने वाले की होगी, लर्नर की होगी, तो उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, जैसे आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लर्निंग एफर्ट्स हैं कि 40 बार उसने ट्राई किया, 60 बार, 100 बार या 140 बार, तो उसकी परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद ये स्टेडी हो गया, मतलब कि यहाँ से उसने अटेम्प्ट्स लेना बंद कर दिया है। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक लाइन है यहाँ पे कि डॉक्टर हरमन एबिंगॉस डिस्क्राइब द लर्निंग कर्व थ्योरी इन 1895, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमने इसको स्मृति वाला एक लेसन आएगा आगे, उसमें हम इसको करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको इतना ही करेंगे जितना हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो लर्निंग से रिलेटेड इसकी थ्योरी है वो इतनी ही है, तो हम उसको इतना ही करेंगे। अब आगे आता है हमारे पास, सीखने के वक्रों को चार प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, कितने प्रकार में इसको विभाजित किया जा सकता है, चार प्रकार में। वो कौन से हैं, सरल रेखीय वक्र, निषेधात्मक उन्नति वाला चक्र, और सॉरी वक्र होगा यहाँ पे, मैंने गलत लिख दिया है, धनात्मक उन्नति वाला वक्र और मिश्रित वक्र। ठीक है, ये चार वक्र हैं, इनके बारे में हम एक्सप्लेन करके अभी आगे पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ की है, आपको मैं यहाँ पे थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सरल रेखीय वक्र, जैसे कि इसका नाम है सरल रेखीय वक्र, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें क्या होगा, इस तरह का जो वक्र होगा वो बहुत कम मिलता है। ये ऐसी सिचुएशन में आता है ना कि जब सीखने की जो हमारी प्रोसेस होती है वो एकदम स्टेडी हो जाती है। ठीक है, देखो ये एकदम यहाँ पे हमें, देखो ये यहाँ पे हमें बिल्कुल पैरेलल लग रहे हैं। ठीक है, मींस ना कोई ट्रायल हो रहा है ना कोई लर्निंग हो रही है, या फिर जितना ट्रायल हो रहा है उतनी लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा, मतलब ये हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं ऐसे जिसमें कि ट्रायल और अमाउंट ऑफ लर्निंग दोनों स्टेडी हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। और ये जो वक्र होता है इसकी प्रोग्रेस एक स्थिर रूप में होती है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 2 रुपए हैं, ठीक है, और आपको आपको बोला जाए कि आप ये 2 रुपए अपने भाई को दे दो, लेकिन आप मना कर रहे हो कि मैं उसको नहीं दूंगा। ठीक है,
आपने उसको पैसे नहीं दिए, मैं आपने अपनी मम्मी को बोला कि मैं बाहर जाके खाऊंगा, इससे कुछ मिठाई खाऊंगा, और आप बाहर गए और आपसे वो 2 रुपए गुम गए, ठीक है। तो आपसे ना मिठाई खाई जाएगी, ना आपके भाई को आपने दिए, मीन्स क्या हुआ, ना तो आपका उससे लॉस हुआ, ना तो आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर आपने भाई को दे दिए होते तो अच्छा हो जाता, आपको पता चल जाता, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। इसमें आप एक लाइन और समझ सकते हो कि जो व्यक्ति है ना, उसको कोई भी नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जो इंसान है उसको कुछ भी नई न्यू नॉलेज नहीं होती है उसको, और इसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में भी समझ सकते हैं कि वह सीखने की जो कोशिश होती है वो निग्लिजिबल करता है, बहुत कम सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे आता है आपका दूसरा, निषेधात्मक उन्नति वाला चक्र, यानी कि नेगेटिवली एक्सेलरेटेड चक्र, नहीं सॉरी मैं बार बार वक्र बोल रही हूँ, सॉरी कर्व, और इसको कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं। और ये वक्र जो होता है, ये आरंभ में स्टार्टिंग में जो होता है ना, ये तीव्र गति से चलता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, अभ्यास के साथ साथ इसकी गति कम हो जाती है, और लास्ट में एक ये सरल रेखा का रूप निर्धारण कर लेता है, ठीक है। जैसे होता है, आपको ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आएगा इसका, कि जैसे हम कोई नई कॉपी लेते हैं, उसकी हम फर्स्ट 2 पेजेस कैसे लिखते हैं, एकदम सुंदर, हर एक वर्ड की मोटाई चौड़ाई, उनके बीच की जो विड्थ होती है, लेंथ होती है, गैप होता है, सारा एकदम ऐसे लगता है जैसे हमने उसको मेजर करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं, वो एकदम स्टेडी हो जाता है सब कुछ, जैसे 3rd पेज पे वैसे ही 10th पेज पे होगा, और 17th पेज तो आप देख भी नहीं पाओगे, 50 पेज नंबर तो ऐसा होगा कि आप खुद पहचान नहीं पाओगे आपने कौन सा लेटर लिखा है या कौन सा अल्फाबेट लिखा है, ठीक है। तो ये वही होता है कि निषेधात्मक उन्नति वाला वक्र, मीन्स कि शुरू में क्या होगा, बहुत तीव्र गति से हम सीख रहे होंगे, फिर क्या होगा, एक अभ्यास वाला दौर आएगा। देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो, सबसे पहले क्या होगा, तीव्र गति से सीखेंगे, दूसरे नंबर पे फिर अभ्यास आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे ये सरल रेखा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं इसके मेन। और इसमें क्या होता है कि जहां से कार्य सीखना आसान हो, या सीखने वाले को पहले से इस प्रकार के कार्य करने का पूरी तरह से अनुभव होता है, पूरी तरह से एक्सपीरियंस होता है, वह इसी प्रकार के वक्र बनते हैं वहां पे, ठीक है। जहां पे लोगों को पता है कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, तो वहां पे मैक्सिमम टाइम ऐसा काम होता है कि शुरू में वो तेज गति से करते हैं, फिर अभ्यास, देन सरल लाइन, ठीक है। आगे हमारा आता है धनात्मक उन्नति वाला वक्र, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व और कॉनकेव कर्व। कई बार आरंभ में क्या होता है, जो हम प्रयत्न में सीखने की दर बहुत कम होती है, मींस कि जब हम कोई ट्रायल कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो हम कोई ट्रायल कर रहे हैं, और हमें बिल्कुल कम कुछ भी समझ आ रहा है, तो बिल्कुल कम समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने 0 से शुरू किया, हमें बहुत कम समझ आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रयास बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे हमारे मतलब ट्रायल बढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हमारी लर्निंग भी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। इसे पॉजिटिव एक्सेलरेटेड वक्र या कर्व बोलते हैं। और ऐसी परिस्थितियां कहाँ पे आती हैं, जहाँ पे सीखने वाला कार्य नया हो, ठीक है। जैसे जो काम हम कर रहे हैं वो काम नया होता है, तो वो क्या होता है, उसमें हमें एक्साइटमेंट होती है, उस वजह से हम लोग बहुत एक्साइटेड होकर किसी भी उस काम को करते हैं, तो ये एक पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व बनाता है। और ऐसे कार्य का जो मतलब पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो इंसान को नहीं होता है, क्योंकि वो काम नया होता है, ठीक है। और इस प्रकार हम बोल सकते हैं, और इसको ना हम कनकेव कर्व भी बोलते हैं, जो पीछे वाला था निषेधात्मक उन्नति वाला, उसमें हम कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं, और इसको हम कॉनकेव कर्व बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है मिश्रित वक्र, यानी कॉम्बिनेशन टाइप कर्व और कॉनकेव कॉन्वेक्स कर्व और एस कर्व भी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझ सकते हो, ये जो वक्र होते हैं ये पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड और जो हमारा पिछला था नेगेटिवली एक्सेलरेटेड, इन दोनों को मिला के बने होते हैं,
और ये वाला जो वक्र होता है इसमें सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव, उसके सीखे जाने वाले जो काम होते हैं और सीखने संबंधी जो एनवायरनमेंट है उससे ये बनते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इनकी एजुकेशनल जो वैल्यूज़ हैं या इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें क्या होगा कि टीचर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, टीचर्स को बच्चों को सीखने के लिए उनको कितनी, मतलब कौन सा ज्ञान उनको कितना देना है और कितना, जितना उन्होंने उनको समझाया पढ़ाया उनको कितना समझ आया, तो वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में उसको शो कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि टीचर को अपने बच्चों को सीखने संबंधी जितने भी उनसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान प्राप्त होता है उनसे टीचर बहुत कुछ सीख सकता है, और आगे भविष्य में जो और टीचर्स भी आएंगे और बच्चे भी उनके पास आएंगे तो वो उनको भी अच्छी तरह से पढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। और बच्चा अपनी रुचियां बताएगा, जो लास्ट वाला, जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसमें ये वक्र जो होता है वो रुचियां, स्वभाव और परिस्थितियां, ये सारी ये तीन चीज, चारों चीजें हैं, इन सबको मिला के काम करता है एस कर्व जो होता है हमारा। तो जो एस कर्व है, जब टीचर को एस कर्व बच्चों के बारे में पता होगा तो टीचर उस तरह से अच्छे से टीचिंग करा पाएगा। और कल हम इसके प्लेटोज इन लर्निंग कर्व ये टॉपिक करेंगे, और इसके बाद फिर आपके पास इसके कुछ कॉजेज भी आएंगे और एलिमिनेशंस भी आएंगी कि किस तरह से इनको हटा सकते हैं। और फिर हम, अगर टाइम बचेगा तो फिर हम इसके अधिगम के सिद्धांत भी कुछ डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।